हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उषी जोशी और ये चैनल ट्रिपल डी हाई प्रीस्ट। दोस्तों, अभी मैं गई थी थोड़ी देर पहले बाहर, मैं गई थी अपने आप डेट पे लेके और उस एक व्लॉग शूट किया है जो मैं के साथ शेयर करूँगी। संडे अपने आप को डेट पे लेके चलेगी और उस दौरान देखा कि 4 से 5 लोगों ने मुझे मैसेज किया और 4 से 5 लोगों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी थी। कोई लेडी मुझे मैसेज कर रही है तो कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, कोई कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है, कोई कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट एंजाइटी हो रही है। तो ऐसे 4 से 5 लोगों ने मुझे लगातार मैसेज किया, कोई कह रहा है इमिडिएटली सेशन दे दो। हालांकि मैं शाम के टाइम पे बिल्कुल बात नहीं करना पसंद, शाम के टाइम पे मैं बात नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि ना करूँ सेशन। कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सेशन होगा उसी को मैं अटेंड करती हूँ, अदरवाइज मेरे जो टाइमिंग्स हैं वो 12 से 5 के बीच में है आफ्टरनून में। तो मेरे को लगा कि अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को घुटन हो रही है, बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत से लोगों को पुल हो रहा है, बहुत से लोगों को ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं। सो ये क्यों हो रहा है? ये जो भी रिसेंटली 8/8 का पोर्टल गया ना, ये उसके बाद का असर है। मैंने कहा था उस वीडियो में, कुंठित ऊर्जाएँ सरफेस पर आती हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है आपकी या जिन चीज़ों को आपने दबाया है पिछले दिनों, चाहे वो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर हो, चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, अब वो सब किनारे पर आएगा। सो इसको सॉल्व करना है। तो बहुत सारे लोग जिसको ऐसी एनर्जी हो रही है पोर्टल के बाद, बहुत सारे लोगों के ना फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं पोर्टल्स के बाद, जैसे उनकी जॉब चली जाती है या कुछ मनी का लॉस हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गुड एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग तो है ही, बट मनी लॉसेज और फाइनेंशियल लॉसेज भी होते हैं कई लोगों को, डिप्रेशन होता है। तो क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अपने आप को किसी पॉजिटिव जगह पर डालो, अपनी किसी क्रिएटिविटी में खुद को डाइवर्ट कर दो, अपने बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पे काम करो। जिस गलत जगह पे आपने अपनी एनर्जी को फिक्स किया हुआ है वहाँ से हटा लो, ठीक है, और सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू वो जो कुंठित ऊर्जाएँ हैं उनको रिलीज करो। वैसे अगर आपके पास कोई और माध्यम है तो उसके थ्रू भी आप उसको रिलीज करो। मैंने जब ये 4-5 मैसेजेस पढ़े रास्ते में, तो या लोगों की मैंने जब पढ़ाई है, तो मुझे लगा कि शायद अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैं उसको बताऊं कि ये पोर्टल का असर है। घबराने की जरूरत नहीं है, बट खुद को सुलझाने की जरूरत है, खुद पे काम की जरूरत। अब खुद पे काम करने का टाइम आ गया है, ठीक है। यूनिवर्स जो है अब आपकी उन ऊर्जाओं को सरफेस पे ला रहा है और आपका फर्ज है कि इसको आप साफ कर है। साफ करने का पहला तरीका मैंने बता दिया, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करो, ये साफ होते हैं ऐसे। दूसरा, ये सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू भी अंदर जो फंसा हुआ है सब कुछ वो भी साफ होता है, ठीक है। और जो लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, अभी शायद कुछ समय पहले उनकी अवेकनिंग हुई है, पर उनके साथ ये नहीं हो रहा है, ये हो सकता है अगले साल आपके साथ हो या अगले 6 महीने में आपके साथ हो। तो जिनके साथ नहीं हो रहा उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप शुरू से ही अवेयर रहो, शुरू से ही गलत चीज़ों में अपने आप को मत जाने देना। गलत चीज़ मतलब लो वाइब्रेशनल या किसी भी चीज़ की अति मत मचाना, खुद को बैलेंस रखना, तो फ्यूचर में क्या होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। पर जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, उनको घुटन हो रही है, उनको एंजाइटी हो रही है, पुल हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, उनको वो लोग ये समझ लें कि आपका आ रहा है आप किनारे पे, ठीक है, कचरा जो है वो किनारे पर आ रहा है और सफाई मांग रहा है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, आई थिंक इतना बहुत है समझाने के लिए, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर।